गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। पिछली ड्राइंग के जैसे ही आज हम फिर से ड्राइंग बनाएंगे। आज हम बनाएंगे कनेर का फूल। आज हम पेंसिल से ड्रॉ करेंगे, पेंसिल से कंप्लीट करेंगे और नेक्स्ट टाइम उसमें कलरफिल करेंगे। तो चलिए आज हम बनाते हैं कनेर का फूल। कनेर का फूल बनाने के लिए ये बीच सेंटर से हम एक यहाँ पर पॉइंट ले लेंगे। फिर यहाँ से हम ज़रा सा झुकाव लिया हुआ ऐसे टहनी बनाएंगे। फिर एक टहनी हम इधर को ले लेंगे, इस साइड को, ठीक है। फिर इसमें छोटे छोटे से कलियां बनाएंगे। ये बना ली हमने। फिर एक इसमें से भी छोटी कली बनाएंगे। फिर ये थोड़ी सी लंबी बनाएंगे। अब ये सारी कलियां हम थोड़ी इससे लंबी साइज की बनाएंगे। इस तरह से अब एक कली और लंबी सी बना लेंगे और इससे मिलाते हुए बनाएंगे। थोड़ा सा इसका शेप सही नहीं आ रहा तो इसको इरेज कर लेंगे और फिर से इसको ऐसे झुकाते हुए बनाएंगे। और फिर हम इसके सेंटर से ऐसे ही करके ऐसे फ्लावर ले आएंगे। फिर यहाँ से फिर इसको मते हुए इस पंखुड़ी में ले आएंगे और यहाँ से मिलाते हुए हम इधर ले आएंगे। फिर यहाँ से घुमाते हुए लास्ट पंखुड़ी में मिला लेंगे। यहाँ से थोड़ा सा और घुमा लेंगे। ये हमारा कनेर का फूल हो गया। अब कनेर के फूल की कली बनाएंगे, यानी कि बड। इंग्लिश में उसे बड बोलते हैं। ये हम छोटे सी तीन पंखुड़ी ले लेंगे, फिर एक कली ऊपर को बनाएंगे और यहाँ से ऐसे कर लेंगे, ठीक है। अब इसको हम नीचे धीरे धीरे लाएंगे। थोड़ा सा पार्ट्स यहाँ पर दे देंगे, फिर नीचे लाएंगे, फिर ऐसे लाते लाते एक कली पत्ती के लिए यहाँ पर, एक कली पत्ती के लिए यहाँ पर टच दे देंगे। फिर थोड़ा नीचे लाएंगे, एक पत्ती के लिए यहाँ पर दे देंगे, ऐसे लेके आएंगे, एक पत्ती के लिए यहाँ पर थोड़ा सा छोड़ देंगे, फिर नीचे लाएंगे, फिर यहाँ पर छोड़ देंगे, ऐसे ले लाते 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 फिर आएंगे। फिर ऐसे लाते लाते ऐसे पत्तियों के लिए टच छोड़ते जाएंगे और फिर लास्ट में ये लास्ट पत्ती ये है नीचे की और एक इस साइड से भी लास्ट पत्ती बनेगी, वो थोड़ा नीचे से बनेगी। तो ऐसे ले लेंगे। ये है। अब हमने बनानी है पत्ती। तो पत्ती के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से ऐसे गोल घुमाएंगे और ऊपर को ऐसे लेके आएंगे। इसकी पत्तियाँ लंबी होती हैं, पतली सी लंबी सी। ये हो गई हमारी पत्ती। अब बनाएंगे हम दूसरी पत्ती। तो ये हमारी बन गई दूसरी पत्ती। बनाएंगे
छोटी सी फिर से कली बनाएंगे। एक पत्ती, तरह से बनाएंगे और एक बनाएंगे यहाँ पर। ऐसे बनाते बनाते एक साइड की हमारी ये पत्तियाँ कंप्लीट हो गई। अब आते हैं हम इस साइड। इस साइड में बनाने के लिए हम अब एक छोटा सा फ्लावर और बनाएंगे, तो इसको हम थोड़ा सा और झुका लेंगे इस टहनी को। इस टहनी को और झुका के फिर हम यहाँ पर को एक छोटी सी फिर से कलियाँ बना लेंगे, पांच पांच चार जो भी बनाना चाहें। फिर यहाँ पर एक छोटी सी कली बनाएंगे और फिर इसके बाद हम लंबी लंबी कलियाँ बनाएंगे। यहाँ पर साइज थोड़ा ठीक नहीं बैठेगा तो थोड़ा सा इसको और नीचे झुका लेंगे, जिससे थोड़ा स्पेस हमें ऊपर मिल जाए बनाने के लिए। तो यहाँ पर हमने छोटी छोटी चार पंखुड़ियाँ बना ली हैं, फिर एक छोटी पंखुड़ी बना ली है, फिर ये बड़ी बड़ी बना ली हैं। अब इसके बाद फिर से ये पंखुड़ी बना ली है और इसको यहाँ से मिलाते हुए ये बना लिया। अब इसके बाद नेक्स्ट में हम एक पत्ती बनाएंगे, तो पत्ती थोड़ी सी झुकी हुई बनाएंगे हम। अब एक पत्ती और बनाएंगे, ये बन गई। अब एक ऊपर से नीचे झुकी हुई लाएंगे पत्ती नीचे की ओर।
देखिए प्यारे बच्चों, अब हमारा ये कनेर का फूल कंप्लीट ड्रॉ हो चुका है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसमें कलर करेंगे। अब यहाँ राइट कर देते हैं हम कनेर। देखिए हमारा कनेर का फूल कंप्लीट हो गया है। आगे कलर सीखने के लिए बच्चों चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट एंड शेयर जरूर करिए और अच्छे अच्छे चित्रकला सीखते रहिए।